वेलकम बैक टू माई चैनल एच पी टेक मेडिकल। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को कवर किया था और वहाँ पर हमें पता चला था कि हमारे जो फूड का सोर्स होता है वो क्या होता है, दैट इज़ मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो फूड होता है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इन्ग्रीडियंट्स के साथ मिलके बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड क्या हुए, जब हम बात कर रहे हैं कि एक फूड जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलके बना होता है, तो जो वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनको हमने डिफरेंट डिफरेंट उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग हमने उनको नाम दिया हुआ है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। और इसके अलावा भी फूड में कुछ डाइट्री फाइबर्स और वाटर होता है जो भी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। ये सारी की सारी चीज़ें एडिक्वेट अमाउंट में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए, अदरवाइज ये हमारी बॉडी में अगर डेफिशिएंसी हो तो ये डिज़ीज़ कॉज कर सकती है। पर हर एक चीज़ प्रॉपर अमाउंट में ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो वो भी हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल ही होगी, और कम तो ऑब्वियसली हार्म ही करेगी या फिर डेफिशिएंसी ही कॉज करेगी या डिज़ीज़ ही कॉज करेगी। तो अभी हम देखते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट फूड इसीलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो कंप्लीट हो सके। अगर बात सिर्फ भूख मिटाने की होती तो हम सेम खाना सुबह, दोपहर, शाम को या हर रोज़ या हर हफ्ते सेम ही क्यों नहीं खाते, हम चीज़ें बदल बदल कर खाते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द टेस्ट, कि टेस्ट चेंज करने के लिए, इट्स ऑल अबाउट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमें डिफरेंट डिफरेंट फूड से ही मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो फूड है उसमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है भी है कि नहीं। तो इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च और शुगर की फॉर्म में, ठीक है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली ये चीज़ प्रेजेंट, हाँ ये कार्बोहाइड्रेट है तो ये मतलब एक कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होगा उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोल देंगे, नहीं। वो कुछ फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, इट कैन बी स्टार्च, इट कैन बी शुगर। देन हमारे पास एक एक्टिविटी आएगी जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है भी है कि नहीं। तो जैसे कि इस पिक में दिख रहा है कि ये दो बच्चे जो हैं वो एक फूड ले रहे हैं, तो आप फूड आपका कुक्ड फूड भी हो सकता है, आपका रॉ इन्ग्रीडियंट्स भी हो सकते हैं। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, फिर हम देखेंगे क्या उसका कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है। अगर तो उस सैंपल का, जो हमने फूड का सैंपल लिया है, आयोडीन डालने के बाद अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और उसका सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे बेसिक एग्जांपल क्या होता है, हमारा पोटैटो, दैट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्टार्च, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के लिए भी हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे या फिर हम कुछ भी पेट्री डिश लेंगे, उसमें हम स्मॉल अमाउंट में फूड आइटम लेंगे, उसको क्रश कर देंगे और उसके बाद हम उसमें डालेंगे 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब को शेक कर देंगे, उसको एक सैंपल बना लेंगे उस रॉ फूड का या फिर कुक्ड फूड जो भी होगा। देन उसमें हम 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा डालेंगे और उसके बाद हम उसको अच्छे से टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे और कुछ टाइम के लिए हम उसको वहाँ पे रख देंगे और हम वेट करेंगे उसका सेटल डाउन होने में। फिर हमें उसके बाद हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आएगी कि उसका वॉयलेट कलर आएगा, जिस जो हमें इंडिकेट करेगा कि फूड आइटम में प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। देन इन्होंने नीचे कुछ ऑलरेडी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं तो उसको उन्होंने बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्च का सबसे मेन जो सोर्स होता है वो होता है रॉ पोटैटो। और अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हम मिल्क के थ्रू हम उसका डिटेक्शन कर सकते हैं। देन हम फैट्स की बात करेंगे तो फैट्स ग्राउंडनट। देन हम टेस्ट करेंगे फैट्स के लिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम बहुत ही स्मॉल अमाउंट में फूड आइटम लेंगे और उसको रैप कर देंगे एक पेपर के साथ और उसको क्रश करेंगे और फिर हम कुछ देर वेट करेंगे।
अगर तो उसमें वाटर, अगर उस पेपर के साथ वाटर लगा होगा या उसने वाटर ऑब्जर्व किया होगा उस पेपर ने, तो वो कुछ टाइम के बाद ड्राई हो जाएगा। बट अगर वो ऑयल होगा तो वो ड्राई नहीं होगा। और वो पेपर क्या होता है, कुछ उस जितना जितना उस एरिया पे ऑयल लगा होता है वो ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है। तो उससे हमें पता चलता है कि उसमें फूड में ऑयल प्रेजेंट था कि नहीं था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं विटामिन्स और मिनरल्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे व्हाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आर बॉडी। हम बोल तो रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी में होने चाहिए, हमारे फूड में प्रेजेंट होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फूड हमें कंज्यूम करना चाहिए। बट इनका फंक्शन भी तो पता होना चाहिए ना, कि क्या चीज़ क्या रोल प्ले कर रही है हमारी बॉडी में। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी के लिए। फैट्स जो होते हैं वो भी एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट जो फैट होते हैं वो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ठीक है ना, अगर अच्छा ये बात हम उस बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ फूड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली क्यों ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। ये आपको बड़ी क्लासेस में जाके पता चलेगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेनली यहाँ पे इन्होंने क्यों कहा है कि ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ आर बॉडी के लिए, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ का मतलब होता है सेल्स की डिवीजन, और सेल्स की डिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो, कहीं उन डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए की जो रेप्लिकेशन होगी उसकी जो डिवीजन होगी उसके लिए जो मेन सोर्स चाहिए होता है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटीन्स। तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए इन्होंने बोला कि रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड द ग्रोथ ऑफ आर बॉडी। देन अगर हम बात करें, ये जो मैंने पिक्स के नीचे हाईलाइट किया हुआ है, इस चीज़ को एक बार गो थ्रू ज़रूर करें कि कुछ जो सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से होते हैं, बेसिक नॉलेज है पता होना चाहिए। और इसमें कुछ सोर्सेज होते हैं फैट्स के, वो प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं और वो एनिमल्स भी प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे ये जो इनकी पिक्चर्स हैं, ये आप इनको प्लीज़ एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। और इसमें मेनली जो प्रोटीन्स होते हैं, मैंने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं करा है, ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें जो प्रोटीन्स हैं उनको मेनली हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कंबाइनली हमने यहाँ पे क्या बोला, हम यहाँ पे इनको बोल रहे थे एनर्जी गिविंग फूड्स, और यहाँ पे हम प्रोटीन्स को क्या बोल रहे हैं, दैट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ठीक है, दो टर्म्स हम याद रखेंगे। हमने कुछ स्किप किया आई थिंक यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे थे कि ये चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती हैं। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन ए की अगर हम बात करें, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए की अगर हम बात करें तो वो हमारी स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखती है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो वो फाइट करती है बहुत सारी डिसीज़ के अगेंस्ट। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो वो हमारी कैल्शियम कंटेंट को इनक्रीज़ करती है हमारी बॉडी में और हमारे टीथ्स में। सबसे जो मेन बेसिक और इम्पोर्टेंट सोर्स होता है विटामिन डी का, दैट इज़ सनलाइट। और वो सनलाइट ये नहीं होती कि अगर हम दोपहर में अगर हम धूप में बैठ जा रहे हैं तो वो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है या फुलफिल कर रहा है, नहीं। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ फॉर हायर क्लासेस। एंड जो सुबह की धूप होती है मेनली 8 से लेके 10 बजे तक, सिर्फ वो वाली धूप होती है जो हमें यूज़फुल होती है विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन बिलो। तो विटामिन ए की बात हो रही है यहाँ पे, सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। देन ये विटामिन्स मेनली क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ कोज होने से रोकते हैं हमारी बॉडी में। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो विटामिन होते हैं, दैट इज़ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, और इनको हम टुगेदर क्या बोलते हैं, इनको पूरे को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
उसमें डिफरेंट डिफरेंट विटामिन होते हैं, B1, B2, B3 ऐसे ऐसे और B12 तक, अप टू B12, बट दैट इज़ फॉर हायर क्लासेस। अकॉर्डिंग टू 6 स्टैंडर्ड इट इज़ इनफ। और इसमें अगर हम बात करेंगे कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे हमने ऊपर बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, राइस जो होते हैं वो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं किसी भी अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में, इसलिए हम राइस को मेनली क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। उसके अलावा हमारे बॉडी को डाइट्री फाइबर्स और वाटर की भी ज़रूरत होती है, और वो डाइट्री फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑब्वियसली हमारे फूड से मिलेंगे ना, और उसको हम मेनली क्या बोलते हैं, रफेज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ से डाइट्री फाइबर और वाटर, जो डाइट्री फाइबर्स होते हैं उसको हम मेनली क्या बोलते हैं, रफेज, ठीक है। वो प्रोवाइड हमें कहाँ से होता है, मेनली प्लांट प्रोडक्ट से, हमारे फूड से, जैसे ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गई, पोटैटो हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, देन वेजिटेबल्स भी होती हैं जो उसका मेन सोर्स होता है रफेज का। ये कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता हमें, बट ये एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो हमें हमारी बॉडी में लेने पड़ते हैं ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाटर की, वाटर क्यों एसेंशियल होता है हमारी बॉडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हेल्प करता है हमारी बॉडी को ताकि हमारी जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर सके हमारे फूड में से। और नॉर्मली हमारी लिक्विड जो हमारी वाटर, हमारे बोलते हैं 90% हमारी जो बॉडी है वो वाटर से बनी हुई है, उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है वो रिमूव हो सके इन फॉर्म ऑफ यूरिन। देन ये नहीं कि हम सिर्फ पानी ही पियेंगे, सभी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, इसके अलावा हम मिल्क, टी या लिक्विड जो भी हम लेते हैं उससे हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है बॉडी में। फिर इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हम बैलेंस डाइट की बात करेंगे, वही डाइट जिसमें गुड अमाउंट ऑफ रफेज या फिर वाटर होता है और कुछ एडिक्यूएट अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। और हर एज के अकॉर्डिंग, एज टू एज ये चीज़ें वेरी करती हैं कि किस एज के भी पर्सन को कितनी अमाउंट में कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। फिर अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, यहाँ पे हमने बात करी थी कि पीछे हम बोल रहे थे कि जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दैट आर एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल या कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है अगर फैट्स में ज़्यादा एनर्जी, अगर जो फैट्स होते हैं वो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों लेना, हम फैट्स ले लेते हैं अगर वो उसमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि बोला था कि हर एक चीज़ के प्रॉपर अमाउंट में ही होनी चाहिए, वो अगर ज़्यादा अमाउंट में होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल फैट्स जो कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बट हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, कैसे, वो हमें ओबेसिटी कोज करते हैं, ओबेसिटी मतलब मोटापा, ठीक है, क्योंकि वो फैट रिच फूड्स होते हैं, उसी से हमें फैट मिलेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा इनटेक करेंगे उस चीज़ का तो ऑब्वियसली हमारे में फैट इंक्रीज होगा। देन हम बात करेंगे डेफिशिएंसी डिसीज़ की। जब कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर टाइम तक कुछ बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, तो ऑब्वियसली उससे वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, जो उसने फंक्शन करना होगा वो उससे नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में डिस्टर्बेंस कोज होगी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, और उसको कोई ना कोई डिजीज़ कोज होगी और उसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़, जो एक लंबे समय से किसी चीज़ की कमी की वजह से हो रही है। और वो किस कमी किस चीज़ की होगी, न्यूट्रिएंट्स की, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़, ठीक है। अब वो डिज़ीज़ किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो हमारा फेस स्वेल हो सकता है, हमें डायरिया कोज हो सकता है, हमारी स्किन डिजीज़ हो सकती है, हमारी डिसकलरेशन ऑफ हेयर हो सकती है। देन अलग अलग विटामिन्स, मिनरल्स और जो ये कंपोनेंट्स थे न्यूट्रिएंट्स, इन अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे अगर इनकी डेफिशिएंसी होती जाएगी वैसे वैसे डिजीज़ कोज होती जाएंगी। तो इसमें जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ ये चार्ट, ये विटामिन और मिनरल्स हैं, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कौन सी डेफिशिएंसी है और कौन सा डिसऑर्डर कोज होता है और उनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये एज इट इज़ याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे फिर वो घुमा फिरा के क्यों ना आए।
और इसके बाद ये इसके कीवर्ड्स थे इस चैप्टर के, जो ऑलमोस्ट हमने सारे कवर किए हैं। और इसमें मेनली एक चीज़ ये आती है, स्कर्वी, हमने डिस्कस नहीं करा। स्कर्वी क्या होती है? वो ब्लीडिंग गम्स होते हैं, जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको हम विटामिन सी के सबसे मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग कह लो या फिर नेगेटिव पॉइंट कह लो, कि ये हमारी बॉडी फॉर्म नहीं करती, हमें इसका इंटेक करना पड़ता है विटामिन सी का। ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब टाइम टू टाइम ये हमें करना, मतलब इनटेक करना पड़ता है बॉडी में। और अगर ये नहीं होगी, मतलब लॉन्ग टाइम तक इसकी डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होगी, तो हमारे जो डिजीज़ कोज हो सकती हैं वो क्या है? ब्रीडिंग कम्स, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें सारा कुछ डिस्कस किया। बाद में हम लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज़ समरी। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइट्री फाइबर्स एंड वाटर। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमने कवर किए हैं, कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं वो मेनली प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, ठीक है। जो प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं वो मेनली किस चीज़ का फंक्शन करते हैं? ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद अगर हम विटामिन्स की बात करें, तो वह हेल्प करते हैं प्रोटेक्ट करने में हमारी बॉडी की डिजीज़ से। फिर बैलेंस डाइट जो हमने बताया था, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स जो से हमारी बॉडी की नीड होती है, राइट। हर एक एडिक्वेट अमाउंट में हर चीज़ का प्रेजेंट होना, अलोंग विद रफेज एंड वाटर, उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट। फिर किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि लंबे समय से चली आ रही हो, वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक डिजीज़ को कॉज करने के लिए। सो हेयर वी विल एंड दिस चैप्टर। आई होप समझ आया हो। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछ लें कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू।